Hey guys, आज का मेरा जो वीडियो है वो है how to correct your sexual health with this CORECTIL. अगर आपको कोई भी सेक्सुअल हेल्थ में आपके इश्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत काम का होने वाला है. अगर आपको नहीं भी है तो भी देखिएगा कि फ्यूचर में कभी कोई दिक्कत आए तो आप उसको यूज कर पाए ये चीज़ें. तो गाइस, मेरा नाम है डॉक्टर अभिनीत गुप्ता और मैं आज आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप नेचुरली इस CORECTIL मेडिकेशन के थ्रू अपने सेक्सुअल हेल्थ को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं. तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि ये होता क्यों है, कि सेक्सुअल हेल्थ में इश्यूज आते क्यों है. तो जब आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन विच इज़ अ मेल हार्मोन, जो उसका जब कमी होने लगती है बॉडी के अंदर, तो आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम्स आने लगती हैं. लाइक आपको कैसे पता चलेगा कि पहले तो मैं ये जान लें कि आपको आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल होना कितना चाहिए. तो वो अराउंड 250 से 1100 के बीच में होना चाहिए. तो बट इसकी भी एक रेंज इतनी बड़ी देख रखी है, बट पासिंग मार्क्स क्या हैं और किस लेवल में आपने पास किया उस पर डिपेंड करते हैं चीज़ें. तो सेम ऐसे ही कि आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा लो जा रहा है टेस्टोस्टेरोन लेवल या कुछ है. तो कुछ कुछ सिम्टम साइन होते हैं जिसको अगर आप खुद भी एनालाइज कर सकते हैं. लाइक आप खुद जिम में जाके एक्सरसाइज कर रहे हो बट आपको मसल मास इंक्रीज नहीं हो रहा है, आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ नहीं आ रही है, आप जिम में जाके एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं बट आप वेट नहीं उठा पा रहे हैं, या आपकी मसल ग्रो अच्छे से नहीं कर रही है, या आपकी बॉडी में प्रॉपरली फैट डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा, लाइक हिप में ज़्यादा हो रहा है, बेली में फैट आ रहा है, या आपको गायनेकोमास्ट्री हो रहा है विच इज़ गायनेकोमास्ट्री इज़ अ मेल ब्रेस्ट जनरली. तो ये भी आपके जब टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपका जब वो ईस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाता है, ईस्ट्रोजन में कन्वर्ट होने लगता है तो आपको गायनेकोमास्ट्री होने लगता है. तो और आपको लो लिबिडो लाइक सेक्स ड्राइव की बहुत ज़्यादा कमी आने लगेगी आपकी बॉडी में, आपको लगेगा कि मतलब नहीं करना है, इच्छा खत्म हो जाती है. तो आपको लेवल जब कम होता है तो आपको लो लिबिडो होने लगता है. ये आपको इरेक्टाइल डिसफंक्शन लाइक आप इरेक्टाइल डिसफंक्शन जो ईडी होता है एक, ये भी सेक्सुअल हेल्थ प्रॉब्लम में इश्यूज में काउंट होता है. इसमें जनरली आफ्टर इरेक्शन और उसके बाद जब वापस से इरेक्ट होना चाहिए उसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है जो 20 से 30 मिनट का जनरल होता है वो बढ़ जाता है, या प्रॉपर आपका इरेक्ट नहीं हो रहा है तो इसको कहते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन. आपका जो मेल पार्ट है वो अगर आप प्रॉपर इरेक्ट नहीं हो रहा है, या आपको गट प्रॉब्लम है, आपको डाइजेशन में इश्यूज आ रहे हैं, आपकी बॉडी में आप खाना खा रहे हैं बट आपका डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो रहा है, इम्प्रॉपर डाइजेशन है, तो भी आपको जब टेस्टोस्टेरोन लेवल डाउन हो जाता है तो भी आपको इम्प्रॉपर डाइजेशन होने लगता है. एजिंग, आपके चेहरे में एजिंग दिखने लगती है. आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, लाइक अनिल कपूर को देखिएगा, वो अभी 60-70 साल के भी हैं, 60 साल में भी वो आपको 35-40 साल के दिखेंगे बिकॉज उनका माइट भी उनकी बॉडी में बिकॉज अच्छे एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं, तो आपको उनका बॉडी का टेस्टोस्टेरोन का लेवल हाई रहता होगा. मगर अगर किसी के बॉडी का टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या किसी भी रीज़न से डाउन होता है तो उनकी एजिंग जल्दी दिखने लगती है उनकी बॉडी में. तो अगर आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल लो है तो आपकी चेहरे में एज जल्दी दिखने लगेगी. अगर आप भले 25 साल के होगा, लो टेस्टोस्टेरोन का लेवल है तो आपकी एजिंग जल्दी दिखने लगेगी. मगर अगर आप 60-70 साल के हो और आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल अच्छा जा रहा है, जो कि एज के साथ डिक्लाइन होता है बट एनी ड्यू टू एनी रीज़न, अगर आप मेडिकेशन ले रहा है कोई बंदा या कोई भी, आप किसी भी रीज़न से अगर आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को बूस्ट अप करके रखा है तो आपकी स्किन एजिंग बहुत स्लो हो जाएगी और आपको फटी मतलब थकान बहुत ज़्यादा, अगर आपको लो टेस्टोस्टेरोन लेवल है तो आपको बॉडी में बहुत ज़्यादा थकान फील होने लगेगी, आपको कुछ करने का इच्छा नहीं होगी, आपके डिप्रेशन में रहोगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन हो रहा है चीज़ में, या आपको इंसोम्निया हो रहा है, आपको नींद नहीं आ रही है, रात में सो नहीं पा रहे हैं, या रात में सोते हैं तो जल्दी रात में 3-4 बजे उठ जाते हैं, तो दैट मीन्स आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम है. या ऑस्टियोपोरोसिस भी चीज़ होती है जिसमें आपकी बोन डेंसिटी, वहाँ पर जो कैल्शियम है वो डिप्लीट हो जाता है और बोन डेंसिटी बहुत वीक हो जाती है, आप हैवी चीज़ नहीं उठा पाते हो. तो ये कुछ चीज़ें हैं कि टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी में कम है. तो ये CORECTIL जो है, ये CORECTIL कैसे वर्क कर रहा है, दिस इज अ मेडिकेशन विच कंटेन एल आर्जिनिन. तो एल आर्जिनिन इज इन 500 mg. तो वर्क कैसे करता है, एल आर्जिनिन इज अमाइनो एसिड, बेसिकली ये आपके वेसल डायलेशन कराता है, आपके ब्लड वेसल को डायलेट कर देगा तो ताकि खून का फ्लो बढ़ जाता है. तो पंपिंग एक्शन, पंप ब्लड पंप बढ़ा देता है, आपको फोकस को बढ़ा देता है, वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है. आपको इसका ये वर्क कैसे करता है, ये इसमें जो नाइट्रोजन होता है तो लेवल जो होता है जो आपके
ब्लड वेसल को डायलेट करने में हेल्प करता है. तो ये आपके ब्लड फ्लो को इंक्रीज कर देता है इन मेल पार्ट, आपके जो मेल ऑर्गन है उसमें इंक्रीज कर देता है. आपके जनरल एलर्जी नहीं जनरली भी दिया जाता है. आप देखेंगे जो जिम में जाते हैं, जो एक्सरसाइज करते हैं, वो एज अ प्री वर्कआउट भी एलर्जी नहीं लेते हैं, क्योंकि वो वेस्कुलरिटी को बढ़ा देता है, आपके खून का फ्लो को बढ़ा देगा, आपके ओवरऑल खून के फ्लो को. ये पहले हार्ट पेशेंट को जनरली दिया जाता था ताकि खून का फ्लो बढ़ जाए, वेस्कुलरिटी बढ़ जाए हार्ट में और सब जगह. तो ये जनरली आपका अगर प्रॉपर इरेक्टाइल डिसफंक्शन, आपको आपके इरेक्शन प्रॉपर नहीं हो पाता तो उसमें भी आपको हेल्प करेगा. ये आपके मेल पार्ट में, आपके छोटे भाई में खून का फ्लो बढ़ा देगा ताकि छोटा भाई अच्छे से स्ट्रांगली खड़ा हो पाए. दूसरी बात, इसमें ट्रिबुलस टेरिस्ट्रिस है. ये जनरली आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी में भी यूज़ किया जाता है. होम्योपैथी में इसको टेरिस्ट्रिस ट्रिबुलस कहते हैं और आयुर्वेदा में इसको गोक्षुधा समथिंग कहते हैं. तो इसके अंदर 200 mg है जो कि इंक्रीज आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर देगा, आपके पावर को बढ़ा देगा, आपके स्टैमिना को बढ़ा देगा, ये जनरली आपके स्पर्म काउंट को बढ़ा देगा. तो ये ओवरऑल ये होम्योपैथी में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है और ये आयुर्वेदा में भी बहुत अच्छे से यूज़ किया जाता है. इसके बाद इसमें है मिक्यूना है इसके अंदर. ये भी होम्योपैथी मेडिकेशन है जो आपकी मूड एलिवेटर है, विच इज कॉल्ड मूड एलिवेटर. आपको डिप्रेशन आ रहा है तो उसको खत्म कर देगा, आपके स्ट्रेस लेवल को कम कर देगा, आपके मूड को बढ़ा देगा, आपके एनर्जी लेवल को बढ़ा देगा, आपकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल बढ़ा देगा. तो ये आपको बहुत ही अच्छे वे में हेल्दी आपका मूड को एलिवेट करेगा, आपको खुश रखेगा बहुत ज़्यादा, आपके स्ट्रेस लेवल कम कर देगा, आपके एनर्जी को बढ़ा देगा. आप लोग हेल्दीली आप एक बहुत इसमें आप फील करेंगे बिकॉज देखो मेंटल स्ट्रेस भी कम होना चाहिए. अगर आपको मेंटल स्ट्रेस कम नहीं है, आपको वर्कलोड बहुत ज़्यादा है या कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का स्ट्रेस है तो भी आपको सेक्सुअल प्रॉब्लम होना चालू हो जाएंगी बिकॉज दिमाग जब तक रिलैक्स नहीं रहेगा आप कोई भी चीज़ में फोकस नहीं कर पाओगे. तो ये फोकस, ये मेडिकेशन ये फोकस को भी बढ़ाता है. साथ ही साथ इसमें जिंकोबा वेलोबा है विच इज़ अगेन यूज इन होम्योपैथिक एंड आयुर्वेदा. तो ये वर्क कैसे करता है, ये आपके ब्रेन लेवल पे वर्क करता है. ये आपके ब्रेन में खून का फ्लो बढ़ा देता है, खून का फ्लो ब्रेन में बढ़ा देगा, वहाँ पे ऑक्सीजन का सिचुएशन बढ़ जाएगा, ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा, साथ ही साथ वहाँ पे न्यूरॉन की वर्किंग को बढ़ा देता है. तो ये आपको आपको फोकस को, आपको याददाश्त कमजोर हो रही है उसमें भी हेल्प करता है. ये बहुत सी चीज़ों में वर्क करता है. इट्स अ वेरी गुड एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीजिंग वर्क करता है. इसमें कोएंजाइम Q10 भी है. तो कोएंजाइम Q10 है, इसमें जिंक है, इसमें पेपरिन है, सेलेनियम है, बहुत सी चीज़ें और भी इसमें एक्स्ट्रा है जो कि टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने में हेल्प करता है. साथ ही साथ ये आपके मूड एलिवेशन में, आपके ब्रेन में फंक्शनैलिटी में वर्क करता है. साथ ही साथ ये आपके छोटे भाई को स्ट्रांग कर देता है ताकि आप स्ट्रांगली लड़ सकें. तो खैर इसको खैर क्या, ये 450 रुपीज़ का पत्ता आता है, 10 टैबलेट का पत्ता आता है 450 रुपीज़ का. एंड इसको आपको दिन में एक बार लेना है, एक बार लीजिए इसको, एक दो महीने तक आपको कंटिन्यूशन में लेना है. और साथ ही साथ जब कभी आपका छोटा भाई कहीं फाइट करने जा रहा है तो उसके पहले भी आप इसको ले सकते हैं ताकि वो छोटे भाई में खून का फ्लो बढ़ जाए और छोटा भाई बहुत स्ट्रांग होकर फाइट कर सके. तो करेक्टिल लीजिए. ये आपको मिलेगा कहाँ पे, आपको मिलेगा www.letscomic.com पे. letscomic.com पे जाके मैं इसको वहाँ पे इसको परचेस कर लीजिए. मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहाँ पे जाके इसको देखिए, पसंद आए तो लीजिए. ये जनरली ये मेल्स के लिए है. ओके, तो जनरली अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, सेक्सुअल हेल्थ अच्छी है तो भी आप ले सकते हैं, और अगर आपकी सेक्सुअल हेल्थ अच्छी नहीं है तो आपको लेना ही लेना है बिकॉज ये आपको मूड को भी अच्छा कर देगा, आपको स्पर्म काउंट को भी बढ़ा देगा, आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को बढ़ा देगा, एंटी एजिंग भी वर्क करेगा और आपके छोटे भाई को स्ट्रांग भी करेगा. तो वेट क्या करो, जल्दी से अपने छोटे भाई के लिए, अपने लिए जाके करेक्टिल जाके अपने सेक्सुअल हेल्थ को करेक्ट कर लो इस करेक्टिल को खा के. और इससे ज़्यादा कोई डाउट है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, मेरी आईडी डॉक्टर अभिनीत गुप्ता. मैं वहाँ पे आपका वेट करूँगा और मुझे बताइएगा इस करेक्टिल ने आपको कितना हेल्प किया.